गया में हादी हाशमी स्कूल ऑडिटोरियम गया बिहार के प्रांगण में एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। मगध मुस्लिम एकता मंच के बैनर तले यह कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया था। मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का था बिहार विधानसभा इलेक्शन में मुस्लिमों की प्रतिनिधित्व को कैसे डेवलप किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समुदाय की व्यापक हिस्सेदारी पर भी चर्चा की गई। महागठबंधन और जनतांत्रिक गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व तक कैसे पहुंचा जाए, इसका रणनीति भी यहां बनाया गया। कार्यक्रम के माध्यम से जिला स्तर के समस्त मुस्लिम बुद्धिजीवी और नौजवानों का खासतौर से उपस्थिति था। मीटिंग में कई बातों पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए। एकता मंच का प्रोग्राम रखा गया इसलिए है कि आज़ादी के बाद से कुछ पार्टियां जो हमारे भारत की हैं वो मुसलमान को वोटर अपना पर्सनल पपौती समझ करके इस्तेमाल करते रहा है और धीरे धीरे इनकी हिस्सेदारी जो है सियासत में यानि टिकट में कुर्सी में हर जगह इनकी हिस्सेदारी कम करता है। अब चूँकि लड़के बहुत ही नौजवान पढ़े लिखे हो गए हैं, अब सब लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि अब जब तक हमको अधिकार नहीं मिलेगा तब तक इन किसी भी पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे। भलाएँ उसके लिए हमारे पूरे मगध में 2600 सीट पर जहां मौका मिला अधिक से अधिक सीटों पर हम अपना उम्मीदवार लड़ाएंगे और अपना वोट अपने लोगों के पास रखेंगे।